आज मैं आया हुआ हूँ बिरिस्तान सैयद, जहाँ पे एएमयू का जो है हर साल के जैसा इस बार भी रोज शो हो रहा है। जो एएमयू का जो लेन एंड गार्डन जो डिपार्टमेंट है वही ऑर्गेनाइज करता है। चलिए आपको भी दिखाते हैं हम कौन कौन से फूल है यहाँ पे, क्या क्या चीजें हैं। ये जो है फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं फर्स्ट प्राइज, यहाँ पे जो शो किया जाता है उसके बाद उसको कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, वो भी दिया जाता है। देख रहे हैं ये फर्स्ट प्राइज वाला है, ऐसे ही आपको पूरे चारों तरफ है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये कंसोलेशन प्राइज आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ किस कदर भीड़ है यहाँ पे। तो आज हमारे साथ हमारे कुछ भाई भी आए हुए हैं, हमारे सीमांचल के सारे नेताजी, आइए उन लोगों से भी बातें करवाते हैं हम। राम भाई बताया आप, फ्लावर तो जो हर साल जो ऑर्गेनाइज होता है एएमयू के द्वारा हो, क्यों होता है? तो इसलिए किया जाता है कि जो है एक नेचर से प्रकृति से मोहब्बत को बढ़े, कि दुनिया में कितना रंग बिरंगी है ये हमारा ब्रह्मांड की दुनिया। और जो है यहाँ पर जितने दोस्त होते हैं सबसे एक गेट टूगेदर मिला भी जाता है, जो दिगर हॉल में जो रहते हैं दोस्त एक मतलब एक तरह का हमें मेल मिलाप भी होता है और कुछ कुछ देखने को मिलता है, तरह तरह का फूल देखने को मिलता है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर 47 से ज़्यादा मतलब इनका जो है प्रजाति मतलब यहाँ पर ये किया जाता है, शॉप किया जाता है। तो ये मैं 2012 से रह रहा हूँ, मैं हर साल आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है देख करके, एक मोहब्बत बढ़ती है। मैं इस तरह का फूल देख के जब अपना गांव लौटता हूँ, अपना घर लौटता हूँ, तो मैं भी किसी गमले में या किसी इसमें जो है फूल लगाता हूँ। बहुत फूल लगाने का मैं भी बहुत शौकीन हूँ, यहाँ से मुझे थोड़ा ये बड़ा मतलब मोहब्बत बढ़ी है फूल के प्रति, नेचर के प्रति। ये इनायत साहब पूरा चश्मा वश्मा लगा के आए हुए हैं आज यहाँ पे। सर मिस्टर फैज, डू यू वांट टू से एनीथिंग? यस बस हम लोग वही फूल वगैरह फ्लावर शो है तो बस देखने आए, और इसका मोटिव है ना कि नेचर से जुड़ने के लिए, मतलब जो भी पर्पज यही है इसका मेन। और इसे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के फूल फ्लावर्स होते हैं, जिसमें हम लोग तो ये थे हमारे कुछ भाई लोग जो हमारे साथ आए हुए थे इस फ्लावर शो में, उन्होंने अपनी बातें रखा आपके साथ कि ये फ्लावर शो ऑर्गेनाइज जो होता है हर साल ये क्यों होता है और इसका क्या क्या मेन मोटिव रहता है इसको ऑर्गेनाइज करवाने का, इन सारी बातों में। यहाँ पे इवेंट हो रहा है, ये फ्लावर शो हो रहा है क्योंकि आज लास्ट डे है ना, बेसिकली दो दिन का होता है ये, तो आज सेकंड डे है, इसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी किया उन लोगों को प्राइज दिया जाएगा। यहाँ पे एएमयू का एडमिनिस्ट्रेशन है। यह है गुलिस्तान सैयद का वाटर फाउंटेन, जो अभी तो बंद है, खुलती है कभी कभी। आप भीड़ देख सकते हैं चारों तरफ। सारे चीज़ों का यहाँ मैनेजमेंट है आपका। आज तो अंदर पार्टियाँ चल रही है सबकी, पूरा भीड़ आप देख सकते हैं किस कदर।
ये थी मेरी आज की ब्लॉग जिसमें मैंने दिखाया आपको गुलिस्तान सैयद पे जो दो दिन का जो फ्लावर शो होता है उसके बारे में। ऐसे ही इवेंट जो होता है हर साल एएमयू में होता है, ये रोजन गार्डन जो भी ये डिपार्टमेंट है, लैंड एंड फ्लावर ऐसे डिपार्टमेंट जो भी है एएमयू के, वो ऑर्गेनाइज करता है। लोग आते हैं बाहर से, भीड़ अच्छी खासी रहती है। इसमें पूरे फ्लावर ही आपको मिलेगा पूरे शो में, एंड अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी चल रहा है, तो वहाँ पर आए हुए हैं एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन सारे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जितना हो सके आप लोगों से।